चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल ही मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। कुछ इसी तरह की सोच लेकर अपने सफर को शुरू करने वाले मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल आज अपने रियलिस्टिक वर्क के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। लेकिन दोस्तों, नरसिंह ग्रेवाल जी का यह सुहाना सफर इतना आसान नहीं था। जहां एक तरफ वह हरियाणा के एक छोटे से गांव में एक किसान के वहां पैदा हुए, वहीं करियर के शुरुआती दौर में उन्हें काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा। लेकिन कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हार न मानते हुए उन्होंने अपना काम जारी रखा और आखिरकार पूरे भारत में एक शानदार लीडर के रूप में पहचान बनाई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम यही जानेंगे कि आर्मी मैन नरसिंह ग्रेवाल कैसे बने एक शानदार लीडर। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 7 अप्रैल 1968 से, जब हरियाणा में रोहतक के एक छोटे से गांव में नरसिंह ग्रेवाल जी का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम श्री किले चंद, जो कि एक किसान थे, और साथ ही इनकी माता का नाम श्रीमती मिसालो देवी था। हालांकि नरसिंह जी का बचपन बहुत ही परेशानी में बीता, लेकिन शुरू से ही इनका सपना काफी बड़ा हुआ करता था। शुरुआती समय में स्कूल की पढ़ाई के लिए इनका एडमिशन गांव के ही एक सरकारी स्कूल में करा दिया गया। वे स्कूल से जब घर लौटते तो भैंस चराने चले जाया करते थे, और इसी तरह भैंसों को चराते चराते स्कूल का सबक भी याद किया। गांव के इसी विद्यालय से इन्होंने हाई स्कूल भी किया। वे आगे और भी पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन घर की माली हालत अच्छी ना होने के कारण वे आगे की पढ़ाई अच्छे ढंग से ना कर पाए। हालांकि दोस्तों, जब वे मात्र 17 साल के थे, तभी उन्हें फौज में नौकरी मिल गई, और इसी दौरान 1990 में नरसिंह जी का विवाह श्रीमती सुनीता देवी से हो गया, जो कि एक कुशल गृहिणी है। हालांकि दोस्तों, नरसिंह जी फौज में नौकरी तो करते, लेकिन इनका मिशन अभी कुछ और था। इसी कारण से इनका फौज का यह सफर दिसंबर 2002 तक ही चला। जिंदगी की कठोरतम सच्चाइयों, घरेलू जरूरतों और बेनाम जिंदगी से खिन्न नरसिंह जी को आखिरकार वो प्लेटफॉर्म मिल ही गया, जहां से वे आम से खास और साधारण से असाधारण नायक बनने का सफर तय करने वाले थे। और दोस्तों, वह प्लेटफॉर्म था शेप्स ऑफ बिजनेस। दोस्तों, यहां पर आकर इन्होंने अपना मुकद्दर खुद लिखा। हालांकि दोस्तों, ज्वाइनिंग लेने के बाद उनका यह सफर काफी मुश्किलों भरा रहा। उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और रिजेक्शन भी झेलना पड़ा, लेकिन दमदार लीडर्स और बेहतरीन सिस्टम की मदद से तथा अपनी टीम के सपोर्ट से नरसिंह जी उन मुश्किलों को किनारे करते हुए लगातार आगे बढ़ते रहे। सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपास, एमराल्ड, रूबी के पैदान पर चढ़ते चढ़ते एक वो दिन भी आया जिसका सपना हर लीडर अपने दिल में लेकर चलता है। जी हाँ, डायमंड शिप का। दोस्तों, नरसिंह जी डायमंड भी बने, डबल डायमंड भी बने, ट्रिपल डायमंड भी बने, और आज वो इस बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर के पद पर मौजूद हैं, और उम्मीद करते हैं कि वे आगे भी ऐसे ही तरक्की की ओर बढ़ते रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जमीन से आसमान तक का यह सफर आसान नहीं होता, लेकिन नरसिंह जी ने इस सोच को बदल कर रख दिया। नरसिंह जी एक जीवित और जिंदा मिसाल है उन लोगों के लिए जो अपने सपनों को जागती आंखों से देखते हैं। नरसिंह जी आने वाली नस्लों के लिए एक सशक्त उदाहरण है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई हो। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।